दोस्तों, आरबीआई की ओर से रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा सबसे पहले एसबीआई देने जा रहा है। एसबीआई ने मार्च 2019 में ही अपनी सेविंग डिपॉजिट और कर्ज दरों को आरबीआई रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा कर दी थी। इसलिए आरबीआई की ब्याज दरों में की गई 0.25% की कटौती का फायदा एसबीआई कस्टमर्स को तुरंत मिलेगा। 1 जुलाई से इसके जरिए लिंक सभी लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। एक्सटर्नल बेंचमार्क नियम के तहत यह पहल करने वाला एसबीआई देश का पहला बैंक है। आपको बता दें, एसबीआई 1 मई से लोन को लेकर बड़ा बदलाव कर चुका है। बैंक ने रेपो रेट को बैंक दरों से जोड़ दिया है। यह फैसला 1 लाख रुपए से ज्यादा के लोन पर लागू है। एक्सटर्नल बेंचमार्क नियम के तहत लोन्स में फ्लोटिंग ब्याज दरें रेपो रेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश पर यील्ड जैसे बाहरी मानकों से संबद्ध की जाती है। इसका फायदा यह होगा, आरबीआई द्वारा पॉलिसी रेट घटाते या बढ़ाते ही कस्टमर्स के लिए लोन भी तुरंत सस्ते या महंगे हो जाएंगे। फिलहाल बैंक अपने कर्ज पर दरों के प्रिंसिपल लेंडिंग रेट यानी PLR और बेंचमार्क प्रिंसिपल लेंडिंग रेट यानी BPLR बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR जैसे आंतरिक मानकों के आधार पर तय करते हैं। SBI द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक RBI द्वारा नीतिगत दरों में बदलाव का फायदा ग्राहकों को तुरंत देने के उद्देश्य से सेविंग डिपॉजिट और कम अवधि के कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला 1 मई 2019 से लागू होगा। हालांकि इससे SBI के सभी ग्राहकों को फायदा नहीं होगा। नए नियम सिर्फ उन्हीं खातों पर लागू होगा जिनमें 1 लाख रुपए से अधिक राशि हो। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है SBI ग्राहकों को लेकर। अगर आपने SBI से लोन ले रखा है और वो भी 1 लाख से ज्यादा का लिया हुआ है तो आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई 2019 से आपको आपके लोन की EMI कम देनी होगी। और दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपने किस बैंक से लोन ले रखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।